दोस्तों दुनिया के सबसे तेज जीव होने का खिताब चीते के पास दर्ज है। चीते के नाम ये खिताब दर्ज है। उसकी स्पीड के आगे कोई अन्य प्राणी कहीं भी नहीं आते। इसमें चीता किसी भी जानवर को स्पीड के मामले में हरा सकता है। उसेन बोल्ट ने कुछ साल पहले 100 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीतकर उसमें एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया था। उन्हें दुनिया का सबसे तेज इंसान माना जाता है, मगर दुनिया में एक ऐसा जीव है जो उससे भी कहीं ज्यादा तेज है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे तेज जानवर की। चीते के नाम ये खिताब दर्ज है। उसकी स्पीड आगे कोई अन्य प्राणी कहीं भी नहीं आते। इसमें चीता किसी भी जानवर को स्पीड के मामले में आसानी से हरा सकता है। तो दोस्तों आज हम आपको चीते से जुड़े कुछ ऐसे ही रोचक फैक्ट्स के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो भी जैसे अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नेशनल जियोग्राफी किड्स वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार चीता अफ्रीका में सब सहारा रेगिस्तान में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ये लगभग सारे चीते मौजूद है। इनकी कुछ आबादी ईरान उत्तरी पूर्वी हिस्से में भी है, मगर यहाँ इनकी संख्या बहुत कम है। चीते का शरीर 1.1 मीटर से लेकर 1.4 मीटर तक लंबा हो सकता है, मगर इसका वजन 34 किलो से लेकर 54 किलो तक होता है। यही वजह है कि लंबा और हल्का कद इसे इतनी तेज भागने में मदद करता है। इसकी पूंछ की लंबाई 65 सेंटीमीटर से लेकर 80 सेंटीमीटर तक होती है। अब जब शरीर की बात हो गई है तो इसके स्पीड की भी बात कर लेते हैं। चीता सिर्फ 3 सेकंड में 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। इस हिसाब से चीता का पिकअप कोई भी महंगी स्पोर्ट्स कार से भी ज्यादा है। चीता का शरीर स्पीड के लिए बना है। लंबे पैर स्पाइन और पंजे उसे तेज भागने में मदद करते हैं। पूंछ संतुलन बनाने का काम करती है। अब जब स्पीड इतनी तेज है तो क्या चीता निरंतर इसी गति से भाग सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। इतनी तेज दौड़ने के लिए काफी ऊर्जा लगती है, इसलिए चीता एक बार में इतनी तेज 200 से 400 मीटर तक ही दौड़ता है, और वो भी 1 मिनट से कम में। शिकार करने के लिए उसकी यही स्पीड काम आती है, और 1 मिनट से कम वक्त में अपनी स्पीड के दम पर वो शिकार को पकड़ लेता है। चीता से जुड़े सबसे रोचक बात ये है कि ये ज्यादातर दिन के वक्त ही शिकार करता है। इसका कारण ये है कि ये अपने बराबरी वाले शिकारी जानवर जैसे शेर, तेंदुआ, लकड़बग्घी से बचने के लिए ऐसा करता है। ये जीव आमतौर पर रात के वक्त ही शिकार करते हैं। चीता की नजर बहुत तेज होती है। ये पहले अपने शिकार को खोजता है और फिर उसकी ओर तेजी से भागकर उसे पकड़ता है, और फिर उसे गर्दन पर काटकर गहरा घाव कर देता है जिससे शिकार की मौत हो जाती है। चीता सोशल एनिमल माने जाते हैं। ये आमतौर पर झुंड में ही पाए जाते हैं। झुंड या तो मादा चीता और बच्चे का होता है जो 6 महीने की उम्र तक माँ के साथ रहते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। ये फिर झुंड नर चीते का होता है जो साथ में शिकार करते हैं। मादा अकेले रहना पसंद करती है और नर से प्रजनन के दौरान ही मिलती है। मादा चीता एक बार में 2 से 8 बच्चे को जन्म देती है। बच्चे देने के लिए वो ऊंची झाड़ियों के पीछे ही अपना एक घर बनाती है और फिर उसका ध्यान रखती है। कई बार मादा अपने बच्चे का ध्यान 16 महीने से लेकर 24 महीने तक रखती है। आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। और दोस्तों अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो कर देना, और अगर आप लोगों के मन में कोई भी सवाल है तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। आप लोगों को अपना सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।